राजीव शंकर चौधरी ने कानपुर से। कल्पेश जी, इन्होंने अपनी जन्मतिथि बताई है 23/9/1963। जन्म समय है 5:15 सुबह के और जन्म स्थान है इनका कानपुर। प्रश्न इनका ये है कि इनका खुद का मकान कब तक होगा, और साथ ही इनके हाथ में रुपया टिकता नहीं है, आता है और चला जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए इन्हें? संजीव जी, आपका हॉरोस्कोप का रीडिंग करके ये तो पता चलता है कि आपके हाथ में जो रुपया टिकता नहीं है उसकी बात कर दूं और आपके मकान की बात करें, तो पहले तो आपको बता दूं कि मकान स्थान का लॉर्ड आपका उससे 12वें स्थान में स्थित है। मकान तो आपका होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है, लेकिन आपके हाथ में रहता नहीं है। आप अच्छा मकान करने के लिए उसको बेच देते हो, ऐसा भी यह कुंडली बता रही है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका मकान कब होगा। तो आपको 2 नवंबर 2014 जैसे ही स्टार्ट होता, उसके बाद आपका मकान यहाँ अच्छा और बढ़िया जो आप चाहते हो ऐसा दिख रहा है। दूसरे नंबर में यदि बात करें तो आपका शुक्र दूसरे भाव के अंदर यानी धन भाव के अंदर नीच पोजीशन में बैठ गया है। वहाँ सूर्य भी बैठा हुआ है और बुध भी बैठा हुआ है। वहाँ बुध आपका अस्त होकर 0 डिग्री का है, उसकी वजह से आप कोई भी डिसीजन ठीक से नहीं ले पा रहे हो और आपका पैसा फिजूल खर्ची हो जाता है। तो पहले इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। दूसरे नंबर में आपके पास पैसा तो रहेगा, नहीं रहेगा ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान का लॉर्ड उससे 12वें स्थान में, तो आपको इतना ही बता दूं, हो सके तो अपनी पत्नी के नाम पे पैसा रखोगे तो ही आपका बेनिफिट रहेगा और तो ही आपका रुपया बचेगा। दूसरे नंबर में आपकी कुंडली के अंदर जिस प्रकार देखा जाए कि सूर्य यानी आपका सूर्य का बल इतना बढ़ गया है कि आप में थोड़ा अहम आ गया है, तो पहले सूर्य का बल कम करने के लिए पहले तो सूर्य को आप थोड़ा तेज दीजिए यानी पानी चढ़ाइए, उसका दर्शन कीजिए, पापा के साथ रिश्ते अच्छे रखिए, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। दूसरे नंबर में आपकी इस हॉरोस्कोप के लिए देखा जाए तो आपका गुरु यानी कि पंचम स्थान का लॉर्ड अष्टम स्थान में विराजमान है और वो आपका खराब हो गया है, यानी भले ही स्वगुरु ही है, अपने घर का है, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो हो सके तो आप एक पीला पोखरा धारण कर लीजिए, आपकी सारी तकलीफें दूर होते हुए यहाँ दिख रही है। बिल्कुल, यानी पीला पोखरा जो धारण करने से आपको जरूर फायदा होगा। बट